अमृतसर विच कोरोना दे 72 मामले आए सामने। कोरोना मरीजा दी कुल गिनती होई 1646। पंजाब सरकार वालों फेर बदल करदे आ 30 प्रशासनिक अधिकारियों दी ट्रांसफर। अते देश च कोरोना मरीजा दी गिनती 14,83,000 तो पार। 33,425 मरीजा दी जा चुकी है जान। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं रचना, देश विदेश दे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। अमृतसर विच कोरोना दे 72 मामले सामने आए ने, जे इस नाल शहर विच कोरोना मरीजा दी गिनती 1646 हो गई है। दस दईए अमृतसर विच कोरोना नाल 3 मरीजा दी मौत भी हो चुकी है। हॉटस्पॉट बने अमृतसर विच लगातार कोरोना दे मामले सामने आ रहे ने, पर नाल ही राहत दी खबर ये है कि कोरोना तो ठीक होने वाले मरीजा दी गिनती भी वधी है। पर अमृतसर तो जिथे एक बार फिर कोरोना दे 72 नवे मामले सामने आए ने, इस नाल ही 3 लोगों दी अज कोरोना दे कारण मौत भी हो गई है, जिस तों बाद हुण जिले च कोरोना वायरस दे मरीजा दा आंकड़ा 1646 हो गया है। लगातार हॉटस्पॉट बने हुए अमृतसर च रोज नवे मामले सामने आ रहे ने, पर वड्डी गिनती च कोरोना वायरस दे मरीज ठीक भी हो रहे ने। हुण तक जिले च 1197 लोग कोरोना दे नाल ठीक हो चुके ने, जिस तों बाद एक्टिव मरीजा दी गिनती 378 ही रह गई है। एक बार फिर दस दईए अज अमृतसर च कोरोना वायरस दे 72 नवे मामले सामने आए ने। अमृतसर तों ज्योति बहल दी रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। पंजाब सरकार वालों फेर बदल करदे आ 30 प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रांसफर की गई है, जे इस विच पंजाब दे 2 IAS अफसरां दा तबादला होया है। पठानकोट दे डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा नूं DC अमृतसर बना दिता गया है, जबकि दूजे पासे उन्हां दी जगह पठानकोट दी ड्यूटी सनम अग्रवाल नूं सौंपी गई है। दस दईए कि दोनों तबादले बहुत अहम ने। पंजाब दे विच 2 IAS अफसरां दे तबादले होए ने। पठानकोट दे डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा नूं डिप्टी कमिश्नर अमृतसर बना दिता गया है, जबकि दूजे पासे उन्हां दी जगह दे उत्ते सन्यम अग्रवाल नूं पठानकोट दा DC बनाया गया है, जो लुधियाना दे विच म्युनिसिपल कारपोरेशन दे अडिशनल कमिश्नर सन। दोवें तबादले बेहद अहम ने, क्योंकि गुरप्रीत खैरा नूं हुण अमृतसर दा DC बना दिता गया है, ते उन्हां दी जगह पठानकोट दे विच सन्यम अग्रवाल नूं बतौर DC तैनात किया गया है। ये आदेश तुरंत प्रभाव दे नाल लागू करन दे हुक्म जारी किए गए ने। चंडीगढ़ तों रविंदर सिंह दी रिपोर्ट। कोरोना वायरस दे ताज़ा अंकड़ियां अनुसार कोरोना मरीजा दी गिनती 14,83,000 तो पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना मरीजा दी गिनती 50,000 दे करीब पहुंच गई है। एक दिन विच इस वायरस नाल 654 मरीजा दी मौत हुई है, जे इस तों बाद देश विच मौत दर 33,425 हो गई है। पर इस दे नाल ही राहत दी खबर ये है कि ठीक होण वाले मरीजा दी गिनती विच भी वाधा होया है। कोशिशां दे बावजूद देश दे विच कोरोना वायरस दे मामले वधदे ही जा रहे ने। इह लगातार चौथा दिन है जदों देश दे विच COVID-19 दे मामले 45,000 तों 50,000 दे विचकार सामने आए हुण। ताज़ा अंकड़े दे मुताबक देश दे विच पिछले 24 घंटियां दे विच 47,703 नवें मामले सामने आए ने, जिस तों बाद हुण देश दे विच कोरोना वायरस दे कुल मरीजां दी गिनती वध के 14,83,156 ते पहुंच गई है, जबकि एक दिन दे विच ही 654 लोकां दी मौत हुई है, जिस दे नाल कुल मृतकां दी गिनती 33,425 ते पहुंच चुकी है। उत्थे जेकर इस वायरस दे नाल ठीक होण वाले लोकां दी गल कीती जावे तां इत्थे दस दे कि हुण तक 9,52,743 लोक इस वायरस तों ठीक हो चुके ने। उत्थे जेकर कोरोना दे एक्टिव केसिस दी गल कीती जावे तां इस दी गिणती 4,96,988 है। पर इत्थे वड्डी राहत दी खबर इह है कि जिथे भारत दे विच कोरोना वायरस दे मामले लगातार वधदे जा रहे ने, उत्थे ही रिकवरी रेट दे विच वी सुधार देखण नूं मिल रहा है, जो कि वध के 64.23% ते पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। पंजाब सरकार वायदे अनुसार सूबे विच 50,000 स्मार्टफोन वंडन जा रही है। स्मार्टफोन वंडन दे पहले फेज विच पहल दे आधार ते 11वीं ते 12वीं दियां विद्यार्थना नूं दित्ते जाणगे। इह विद्यार्थना सरकारी स्कूल दियां होणगियां। इस बारे मुख्यमंत्री वल्लों बयान जारी कीता गया है। पंजाब सरकार सूबे दे विच 50,000 स्मार्टफोन वंडन जारी है। स्मार्टफोनां दी वंड दे पहले फेज दे तहत इह स्मार्टफोन दित्ते जाणगे, जो कि पहल दे आधार दे उत्ते 11वीं ते 12वीं दियां सरकारी स्कूल दियां विद्यार्थनां नूं दित्ते जाणगे। मुख्यमंत्री पंजाब दे वल्लों इक बयान जारी करे दावा कीता गया है कि 50,000 स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन दे वास्ते तैयार ने अते पहले फेज दे तहत वंड कीती जाएगी।
पहल उन्होंने स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो हुण तक स्मार्टफोन ना होने की वजह करके ऑनलाइन स्टडीज तो वांझे ने। इसलिए सरकार हुण जल्द ये फोन वंडन जा रही है ता जो कोरोना संकट के दौरान सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों दीआं ऑनलाइन क्लासां दे विच कोई विघन ना पवे और उन्हां दी पढ़ाई भी जारी रह सके। ये 50,000 स्मार्टफोन पहल के आधार के उत्ते 11वीं ते 12वीं दीआं गर्ल्स स्टूडेंट्स नूं दिते जाणगे। इस बयान के नाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी दावा किया है कि इन्हां स्मार्टफोन्स का चाइना के नाल कोई लिंक नहीं है। दैनिक सवेरा लिए रिमांशु गाबा की रिपोर्ट। अनलॉक 2 तो बाद हुण अनलॉक 3 शुरू होण जा रहा है। अनलॉक 3 दे विच सिनेमा हॉल अते जिम खोलण नूं लैके फैसला आ सकदा है। इस लई एक ब्यौरा तैयार कीता जा रहा है जिस च पूरी तरह हिदायत दित्ती गई है, जिस दी जानकारी दैनिक सवेरा दे पत्रकार ने दित्ती। सिर्फ एक दो दिन होर रह गए ने अनलॉकिंग 3.0 नूं शुरू होण वास्ते। अनलॉकिंग 3 दे विच किया जा रहा है कुछ होर छूट जिहड़ी है दित्ती जा सकदी है। जिहड़े जी सोर्सेज दे थ्रू सानूं जानकारी मिलदी है कि हो सकदा है कि इस बार थिएटर, मल्टीप्लैक्स, मूवी हॉल खोल दिते जाण, क्योंकि इन्हां वल्लों जिहड़ा मंत्रालय नाल मुलाकात की गई सी, जिहड़ी थिएटर एसोसीएशन सी उन्हां नाल, ते एक ब्यौरा दिता गया कि क्या क्या मेजर उन्हां वल्लों लिते गए ने। एक जिहड़ा सिनेमा हॉल च कोई बंदा जाएगा जाते पहला उन्हां दी चैकिंग पहला हत्थां नाल हुंदी सी, हटा के थर्मल स्क्रीनिंग होएगी, जे उत्थों क्लीयर होणगे तां ही अंदर जाणगे। पॉपकॉर्न तो लैके टिकट तो लैके हरेक चीज़ कॉन्टैक्टलैस होएगी, QR कोड के राही ही सामने आएगी। तुसी तुहानू कोई भी टिकट फिजिकली लैण की कोई लोड़ नहीं। कुछ ऑर्डर करना है तो QR कोड के थ्रू तुसी मेन्यू आ जाएगा, उहदे नाल ऑर्डर कर सकते हो, कोई फिजिकली टच नहीं होएगा। तीजा हरेक मूवी है इस तो बाद पूरा थिएटर सैनिटाइज किया जाएगा। एक सीट खाली रखी जाएगी, मान लो एक कोई बंदा बैठा है ए सीट पर तो बी सीट खाली रखी जाएगी, उस तो बाद सी सीट भरी जाएगी। ये कुछ चीज़ा सामने रखी गई तो मनिया जा रहा कि मिनिस्ट्री बड़ी छेती जड़ा है इस पर फैसला लैके ये जो अनलॉक 3.0 है ये मल्टीप्लैक्स से मूवी थिएटर खोल देवे। हालांकि जिम जड़े ने जिम तो स्विमिंग पूल इना स्विमिंग पूल तो हले मनाई रहेगी, जिम नू लैके कुछ भी फैसला हले होया नहीं है कि खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। एक धड़ा जिहड़ा है सुजैशन कुछ जिहड़े दिते जा रहे कि खोले जाण ते स्ट्रिक्टली जिहड़े मीजर्स ने वो रखे जाण, भावें सोशल डिस्टेंसिंग का होए भावें सैनिटाइजेशन का होए। हालांकि एक धड़ा जिहड़ा है वो सोर्स के मुताबिक ये खिलाफ है कि हले नहीं खोले जाए, क्योंकि एक बंद कमरा होंदा है, पसीना आंदा है, तो वह संक्रमण फैल सकता है। मैट्रो ते स्कूल इन्हां वल्लों हले जानकारी मिली कि स्कूल ते इंस्टीट्यूशन नहीं खोले जाणगे, मैट्रो सर्विस भी सस्पेंड ही फिलहाल रहेगी, पर मेरे मूवी थिएटर ने वो जरूर खुल सकते हैं, क्योंकि इनू एक फिल्म जदों बनती उहदे नाल हज़ारां लोगों का कारोबार जुड़िया होंदा, भावें थिएटर का होवे या जिहड़े फिल्म बना रहे उन्हां दा होवे। ते मन्निया जा रहा पिछले 2-3 महीनों के बीच ही 1,000 करोड़ का नुकसान इस चीज़ नूं लैके होया है। तो ये कुछ चीज़ां जिहड़ियां खुल सकदियां ने, बाकी स्कूल वगैरह जिहड़े हले बंद ही रहेगा। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 शुरू होना है, पर कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन लाया होया है, जिस तरह बिहार है, तमिलनाडु, उन्होंने लॉकडाउन लाया होया है, UP के बीच सैटरडे संडे का है, तो उन्होंने बीच किस तरह इन्हें लागू करना है क्या नहीं करना स्टेट्स से रहेगा सारी तरह तरीके नाल। पर मन्ने जा रहे कुछ राहत, क्योंकि केसिस जिहड़े ने जिस तरह दिल्ली की गल करिए तो बहुत ज़्यादा घट गए, जिते डेली के 4,000 केस आ रहे थे, हुण 600-700 केस डेली के आ रहे हैं, इन्हें भी जरूर राहत दी जा सकती है। दिल्ली के वैसे भी रेहड़ी पटरी लाना भी अलाउ कर दिता है, तो कुछ नॉर्म्स होर अपना के बाकी चीज़ा भी हौले हौले खोल दी जाएंगी। दिल्ली तो कैमरामैन लक्ष्य नाल नितिन दीवान, दैनिक सवेरा TV। ते सन हुण तक दीआं खबरां, मैनूं रचना नूं दिओ इजाजत, होर वधेरे जानकारी लई वेखदे रहो दैनिक सवेरा TV।